सुखानंद में सौंदर्यीकरण का कार्य भी करवाया जाएगा। प्रभारी मंत्री द्वारा 3,60,00,000 के चौरकुइया तालाब एवं 4,08,00,000 के परवणी तालाब निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। प्रदेश की पर्यटन संस्कृति धार्मिक न्यास एवं धर्मस्थ मंत्री तथा प्रभारी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने शनिवार को जावा क्षेत्र के गांव दड़ोली में 3,60,00,000 लागत की चौरकुइया तालाब एवं 4,08,00,000 की लागत से बनने वाले परवणी तालाब निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर गेती चलाकर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने कहा कि जावा क्षेत्र के धार्मिक आस्था के केंद्र सुखानंद धाम में सौंदर्यीकरण का कार्य DPR बनवाकर पर्यटन विभाग द्वारा करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के अम्बा माता मंदिर परिसर में बृहद प्रार्थना स्थल का निर्माण कार्य भी धर्मस्व विभाग से करवाया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मंत्री सखलेचा के नेतृत्व में जावत क्षेत्र में लोगों ने निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण व डिजिटल शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए कचरा संग्रहण वाहन की उपलब्धता के नवाचार हुए हैं जो अनुकरणीय है। प्रभारी मंत्री ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत उपस्थित जनों को अपने घरों में महापुरुषों और क्रांतिकारियों के चित्र अवश्य लगाने एवं आगामी 15 अगस्त पर अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का संकल्प दिलाया। उन्होंने उपस्थित जनों से लोकतंत्र में अपनी सहभागिता निभाते हुए मजबूत लोकतंत्र के लिए 100% मतदान करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जन कल्याण के कार्यों में जुटी हुई है। प्रभारी मंत्री ने क्षेत्रवासियों से अपने जीवन काल में कम से कम 5 पेड़ लगाकर उन्हें बड़ा करने का संकल्प भी दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आज सिंचाई का रकबा 45,00,000 हेक्टेयर हो गया है। सिंचाई बढ़ेगी तो समृद्धि आएगी। जावा क्षेत्र में 2 सालों में 20,000 नए प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे। इस अवसर पर मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत क्षेत्र में शिविर आयोजित कर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना का लाभ लेकर ज्यादा से ज्यादा युवा अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकेंगे और वह अन्य युवाओं को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगे। मंत्री सखलेचा ने कहा कि प्रदेश में नई स्टार्टअप पॉलिसी लागू की गई है। इसके तहत यदि किसी के पास कोई अच्छा आइडिया होगा तो वह अपना आइडिया उपलब्ध कराए। सरकार उन्हें फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में जावा क्षेत्र में 20,000 नए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जाएंगे। TCS व इंफोसिस हर साल जावा क्षेत्र के 50 युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी। मंत्री श्री सखलेचा ने क्षेत्र के ग्रामीणों की मांग पर कहा कि चौरकुइया तालाब का नाम बदलकर कोई अच्छा सा नामकरण किया जाएगा। साथ ही तालाब पर ग्रामीणों की मांग अनुसार गेट भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तालाब निर्माण के काम में जिस भी किसी किसान की जमीन डूब में जाएगी उन्हें सरकारी गाइडलाइन से 2 गुना मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इसके प्रकरण तैयार हो गए हैं, जल्द किसानों को मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा।